राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी। मुंबई पहुंचे घरेलू यात्रियों को एयरपोर्ट पे दिखानी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट, बीएमसी का फैसला। भारतीय किसान सभा का आरोप, कहा मोर्चे में फूट डालने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, बताया खत्म हो सकता है आंदोलन। दिल्ली में पेट्रोल हुआ 8 रुपए सस्ता, सीएम की अध्यक्षता में वैट कम करने के प्रस्ताव पर लगी मुहर। 15 दिसंबर से नहीं शुरू होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, ओमिक्रॉन के खतरे के बीच हुआ फैसला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता कर्क और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। संभल में सपाइयों ने गन्ना किसानों के शोषण का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया, और आपको बता दें कि समाजवादी युवजन समाज के प्रदेश सचिव भावेश यादव की अगुवाई में सपाइयों ने गुन्नौर तहसील पर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। सपाई गन्ने के सट्टों में बड़ी हेराफेरी और गाय से किसानों की परेशानी और डीएपी खाद की महंगी कीमत की बात कर रहे थे और सरकार पर जमकर हमला कर रहे थे। इसी के साथ प्रदर्शन करने वाले सपाइयों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जो सरकार कहती है कि हिंदू के नाम पे वोट लेती है तो गाय भी तो पूजनी है, उनको गौशाला में क्यों नहीं रखा जाता भाई? क्यों वो खेतों के तो भटक रही है? हमारी और भी मांग है, हमारी मांग ये भी है कि जिस तरीके से गन्ने के आप गन्ने के रेट जो है 325 दे रखे हैं, लेकिन मात्र 200 रुपये पर जो है गन्ना आज किसान को बेचना पड़ रहा है। हम लोगों की ये भी मांग है कि जिस तरीके से घर घर जो बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं, फर्जी बिजली के बिल घर घर किसानों के यहाँ भेजे जा रहे हैं, उन पर भी रोक लगाई जाए। जहाँ जहाँ चकबंदी हुई है, इनके जो है लेखपाल और कानूनों ने भ्रष्टाचार मचाया, किसानों से लूट मचाई है, उसकी भी जो जांच के लिए हम आए हुए हैं। और एसडीएम साहब से हम लोग अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, आज स्टार्ट हुई है। यहाँ ज्ञापन देंगे, एसडीएम साहब से बात रखेंगे, अगर यहाँ बात नहीं मानी जाती है तो ये नौजवान साथी सभी किसानों के बेटे इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे और डीएम तक जाएंगे और जहाँ तक हम लोग लड़ सकते हैं वहाँ तक लड़ेंगे। कानपुर के क्षेत्र पंचायत कार्यालय के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है, जहां बिल्लौर के चौबेपुर में बने पंचायत कार्यालय अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है। पूरा मामला कुछ इस तरह से है कि विकास खंड कार्यालय में पंचायत सचिव ऑफिस से एक मुंह में फाइल दबा कर भागने लगी और मुंह में फाइल दबाए बकरी को देख कर्मचारी भौचक्के से हो गए। बाद में कर्मचारी उसके पीछे पीछे फाइल छीनने के लिए भागने लगे। अब सरकारी कर्मचारी के दौड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कार्यालय में हड़कंप मच गया है। खबर कानपुर से है, जहां मुंह में सरकारी फाइल दबाकर एक बकरी वहां से भाग निकली। बाद में कर्मचारी और उसके पीछे से फाइल छीनने के लिए भागे। आपको बता दें कि विकास खंड कार्यालय में पंचायत सचिव ऑफिस से एक बकरी मुंह में फाइल दबाकर भागने को लगी और मुंह में फाइल दबाए बकरी को देख कर्मचारी भौचक्के हो गए। बाद में कर्मचारी उसके पीछे पीछे फाइल छीनने के लिए भागने लगे। अब सरकारी कर्मचारी के दौड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कार्यालय में हड़कंप मचा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रिजवान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो रिजवान, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या है पूरा मामला? मैं आपको बता दूं, ये चौबेपुर क्षेत्रीय पंचायत कार्यालय का मामला है, जहां पर एक बकरी मुंह में फाइल दबाए लिए हुए दौड़ रही है। मामला ये सामने आया कि क्षेत्रीय पंचायत कार्यालय के कर्मचारी वो इतने लापरवाह है कि उनको जब वो फाइल लेके ऑफिस से निकलकर रोड पर जाती तब वो रोड पर चबाते हुए वो देखते हैं, इससे पहले वो ले जाते हुए नहीं देख पाते। और जब मामला संज्ञान में आने के बाद उसके बाद क्या कार्रवाई की गई है? कार्रवाई का आश्वासन दे दिया गया है, फाइल को इंपॉर्टेंट बताकर। फाइल तो बकरी चबा ही लेती है, उसके बाद भी वो फाइल नहीं ले सकते, मगर मामले को संज्ञान में लिया गया। जिस तरीके से छुट्टा पशु जो आवारा घूम रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्या इस तरीके से हमेशा अधिकतर क्या इस तरीके की वारदात देखने के लिए मिलती है? सर, सुर्खियों में बनी रहती है, अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई करने का पशु कार्रवाई कर रहे हैं कोई मामला सामने नहीं आया है। तो अभी इस तरीके
इस तरीके से जो आवारा पशु लगातार घूमते नजर आ रहे हैं, उन पशुओं की इस पे रोकथाम नहीं की जा रही? क्या कोई ऐसा वन विभाग से संपर्क नहीं किया गया या जी बकरी के मालिक से संपर्क नहीं किया गया कि इस तरीके से अपने पशुओं को छुट्टा छोड़ रखा है उन्होंने? इस पर कार्रवाई तो चलती रही। अक्सर इन गाँव में जैसा कार्रवाई आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई चलती रहती है, मगर उसके बाद भी कहीं ना कहीं आवारा पशु रोड पर घूमते नजर आने लगते। कहीं ना कहीं आप ये है कि कहीं ना कहीं ये आप समझ लीजिए पशु पशु कार्रवाई ना के बराबर होती, सिर्फ कागजों पे ही कार्रवाई नजर आती है, बाकी रोड पे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। फरुखाबाद में इटावा बरेली हाईवे पर पांचाल घाट पर बना गंगा पुल अपनी दुर्दशा की कहानी बयां कर रहा है। नदी का बहता पानी गंगा पुल से बड़े वाहनों के गुजरते समय आ जाता है और पुल से गुजरने वाले राहगीर भयभीत रहते हैं। गंगा पुल पर खुले हैं कई खतरनाक ज्वाइंट जिसके चलते अब लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब हर रोज हजारों वाहनों का आवागमन भी होता रहता है। जानकारी मिली है कि इससे पहले भी कुछ जगहों पर पुल जमींदोज हुआ था, लेकिन उस घटना के बाद भी प्रशासन अभी तक नहीं जागा है। खतरा जब बड़े वाहन निकलते हैं तब जंपिंग बहुत आती है। अच्छा, इसमें भी बहुत मतलब जंपिंग होती है। हाँ। तो इसमें तो मतलब किसी भी तरह दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। हाँ। अभी जो गड्ढे वगैरह है स्कूल में है बड़े, वे गड्ढे हो जाते फिर मरम्मत करवा देगा। अच्छा, यहाँ जंपिंग ज्यादा होती है। जंपिंग ज्यादा जंपिंग होती है बड़े। अभी बेचन जो हादसा हुआ तो गाड़ी आड़ी को खोल दी, गाड़ी लट गई। हाँ। अच्छा, तो आपके हिसाब से इसमें क्या मतलब इसका सुधार होना चाहिए? सुधार मरम्मत हो थी, सुधार भी हो गए। के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुंदरम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो सुंदरम, किस तरीके से जो गंगा पुल के जो खतरनाक जॉइंट्स खुले हैं उनसे किन किन दिक्कतों का सामना देखने के लिए मिल रहा है? जी, जो फरुखाबाद के बरेली टावा हाईवे पे जो पंचाल घाट पे जो पुल बना हुआ है गंगा नदी के ऊपर, यहाँ पे इसमें ज्वाइंट्स जो हैं वो खुले हुए हैं। लगभग तीन तीन चार चार फीट के ज्वाइंट्स खुले हुए हैं, गड्ढे भी हैं, तो इससे यात्रियों को बड़ी दिक्कत हो रही है। अगर किसी कारणवश कोई पैदल चलने वाले यात्री का अगर पैर उसमें चला जाता है या उसका कोई सामान गिर जाता है कीमती, अगर तो बड़ा हादसा होने की संभावना है। साथ ही साथ जब इसमें बड़े वाहन गुजरते हैं तो यहाँ पे जंपिंग जो है वो सामान्यता से अधिक होती है, जिससे कि जो यात्री आते हैं जो राहगीर उस पर चलते हैं वो भय उनके अंदर भय का कारण बना रहता है और किसी कारण से कोई बड़ी दुर्घटना होने की वहां पे संभावना बनी रहती है। और कोला घाट पुल जो 200 में टूट के नदी में गिर गया था, तो फिर भी प्रशासन यहाँ का जाग नहीं रहा है और उस पर कुछ भी कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। कम से कम उन ज्वाइंट्स को उनका रिपेयरिंग करवा देनी चाहिए, कम से कम इतने तो होनी चाहिए। ये जो परेशानी है ये कब से चली आ रही है? लगभग बहुत समय हो गया है, उसकी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे पूर्व वहां पर एक ट्रक के द्वारा टक्कर से जाली भी टूट गई थी, तो जब से सैजापुर वाली घटना हुई तो बस प्रशासन द्वारा उस जाली को ठीक करा दिया गया, लेकिन इन ज्वाइंट्स के ऊपर प्रशासन आंख मूंद के बैठा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खबर पर जुड़ने के लिए। ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत अवैधनाथ महाराज की स्मृति में हर साल होने वाले खेल प्रतियोगिता का आयोजन इस बार भी हुआ। गोरखपुर आए प्रदेश के खेल मंत्री ने सबसे पहले ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत अवैधनाथ महाराज की चित्र पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। इसके बाद दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। फिर उन्होंने वहाँ मौजूद खिलाड़ियों से एक एक कर परिचय प्राप्त करते हुए उनकी हौसला अफजाई किया। मन से लोगों को संबोधित करते हुए खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि पिछले 4.5 सालों से प्रदेश के हर क्षेत्रों में बदलाव और विकास हुआ है। इसके अलावा खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने तमाम तरह के प्रयास किए हैं। गांव नगर और शहरों में खेल को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। पहली बार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने शासनादेश जारी कर दिया आज से 1.5 साल पहले कि गाँव में पंचायती राज विभाग और ग्राम विकास विभाग और शहरों के अंदर नगर निगम और नगर पालिका को जोड़ते हुए खेल विभाग और युवा कल्याण विभाग के साथ उन्होंने जोड़ा है। और आप देख रहे होंगे कि शहरों के अंदर भी ओपन जिम, पार्कों में भी जिम, ओपन जिम, गांव-गांव के अंदर ओपन जिम, कोई एक ऐसा ब्लॉक नहीं जहाँ 10-15 जहाँ खेलने वाले खिलाड़ी वहाँ ओपन जिम ना बना हो। और अभी तक मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2500 से ऊपर
खेल के मैदान और बन चुके हैं, जहाँ पे ओपन जिम और वॉलीबॉल कबड्डी तीन ही गेम है जिनके लिए बड़ा ग्राउंड चाहिए। वो क्रिकेट है, वो हॉकी है, वो फुटबॉल है, इसके अलावा जितने गेम्स हो इंडोर में हो सकते हैं और इसकी पूरी सुविधा उत्तर प्रदेश की सरकार। गोरखपुर में 7 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खाद्य कारखाने और एम्स का लोकार्पण कार्यक्रम प्रस्तावित है। ऐसे में जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है, जिसको लेकर आज हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण कुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के जरिए कार्यक्रम में बारे में जानकारी दी गई और उन्होंने कहा कि 22 जुलाई 2016 को देश के प्रधानमंत्री जी ने इस फर्टिलाइजर खाद कारखाने का शिलान्यास और उसी दिन गोरख एम्स का शिलान्यास किया था। 6 सालों में हम लोगों ने कठिन परिश्रम करके आज इसको देश और दुनिया के लिए एक उदाहरण बना दिया है। को बता दें कि 22 जुलाई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, उन्होंने इस फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास रखा था और उसी दिन भी एम्स का शिलान्यास भी हमारे साथ ही रखा गया था। और ये एक अपने में बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही रेयर एक ऐसा कोइंसिडेंस है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा उत्सव है कि उन दोनों का लोकार्पण भी वही प्रधानमंत्री कर रहे हैं आगे जहां उन्होंने शिलान्यास किया था। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है और मेरे लिए ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात यह है कि मैं भी तब से जुड़ा हुआ हूँ उस कंपनी से, पहले दिन से। 16 जून 2016 को इस कंपनी का गठन हुआ था, उस दिन मैं इस कंपनी को ज्वाइन किया था और 22 जुलाई 2016 को भी मैं यहीं था और 7 दिसंबर 2021 को। हरदोई में बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के शिवथाना गांव के पास से कोटेदार और ड्राइवर के अपहरण की कहानी का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है। पुलिस के मुताबिक कोटेदार ने ही ड्राइवर की हत्या कर अपहरण कर कहानी रचाई थी। यह खुलासा कोटेदार से पूछताछ के बाद हुआ। एसपी अजय कुमार ने बताया कि 26 नवंबर की रात बेनीगंज के शिवथाना गांव निवासी कोटेदार और उनके ड्राइवर के अपहरण के मामले में लोगों ने जाम लगा दिया था। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा देकर लोगों को शांत कराया था। कोटेदार के पिता की तहरीर पर गांव के 6 से अधिक लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। एक बड़ा खुलासा किया है। 26/27 के मामले में एक मुकदमा दर्ज किया गया था अपहरण और हत्या कर लाश छुपाने का। इसमें दो लोगों के अपहरण की बात कही गई थी, सभाजीत उर्फ गुड्डू और गयादीन। इसमें जिनके अपहरण की बात की गई थी उसमें से एक शातिर अपराधी निकला, सभाजीत उर्फ गुड्डू। इसमें अपहरण की बात झूठी पाई गई, बल्कि सभाजीत उर्फ गुड्डू ने गयादीन की हत्या करके शव लखनऊ में छुपा दिया था और वो चीजें प्रकाश में आ गई हैं। सभाजीत उर्फ गुड्डू के निशानदेही पर घटनास्थल वहां पे ब्लड और एक 315। रायबरेली में सरकारी स्कूल के अध्यापक भी सरकार का विरोध करते नजर आ रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सलोन तहसील क्षेत्र के सरस्वती इंटर कॉलेज टीचर सरकार विरोधी गाने बार बालाओं के साथ नाचते दिखे। बार बालाओं के साथ टीचर का डांस करने का वीडियो कई जगह पर तेजी से वायरल हुआ है। इसी के साथ ये भी जानकारी दी गई कि टीचर का भतीजा भी अवैध असला लेकर मंच पर दिखा दिया। संभल के बबराला में जनक्रांति एकता मंच के पदाधिकारियों ने एड्स दिवस पर समाज को जागरूक करने के लिए अपील की। लोगों से कहा गया कि एड्स एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो संक्रमण के बाद होती है। एचआईवी संक्रमण के बाद मानवीय शरीर के प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। एड्स का पूरा रूप से उपचार अभी तक संभव नहीं हो सका। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति ने एड्स की पहचान संभावित लक्षणों को दिखने के बाद ही हो पाती है। रोग रोकथाम के और निवारण केंद्र की ओर से एड्स को संभावित लक्षण बताए गए हैं। ये विश्व एड्स दिवस आज पूरे संसार में मनाया जा रहा है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन समाज में जागरूकता कम होने के कारण ये बीमारी फैलती भी है। तो समाज को जागरूक करने के लिए हमने एक पहल की है कि समाज जागरूक होगा तो ये रोग जो है नहीं बढ़ेगा। हमें
जो भी संक्रमित व्यक्ति है उससे भेदभाव नहीं करना चाहिए, और इसे रोकने के लिए साफ सफाई स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना, दूषित सुई का प्रयोग नहीं करना, असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाना और साथ ही दूषित रक्त। फतेहपुर के अमौली के सठी गवां गांव के अमर शहीद विजय कुमार पांडे 3 जून 2018 को देश के लिए जान दे दी थी। वहीं शहीद की याद में उनकी स्मृति पर आयोजित श्री रामकथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का समापन में कई लोग पहुंचे। सप्ताह ज्ञान यज्ञ के समापन के साथ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां से लखनऊ BSF 1993 बटालियन के ब्रजेंद्र यादव, आजाद सिंह सहित जवानों ने अमर शहीद विजय कुमार पांडे को गॉड ऑफ ऑनर दिया। इस तहत महासभा में भोज पूर्व सैनिक सहित संत समुदाय भी पहुंचा, जहां पर सभी ने नम आंखों से अमर शहीद विजय कुमार को श्रद्धांजलि समर्पित की। फतेहपुर के देवमई में ANA राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज देवमई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर संविदा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि संविदा कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन से COVID-19 कार्यक्रम पूरी तरह से बेकार हो गया। आंदोलनकारी कर्मचारियों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवमई प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से अपना एक ज्ञापन देकर चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और उस दौरान कोई भी काम नहीं होगा। यूपी में योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के सख्त आदेश दिए थे, बावजूद इसके जिम्मेदार सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यही वजह है कि कानपुर देहात में तैनात BDO को भ्रष्टाचार में लिप्त होने के पर शासन ने एक्शन लेते हुए उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया। इससे पहले BDO का रिश्वत लेते एक वीडियो वायरल हुआ था और वायरल वीडियो के आधार पर एक्शन लिया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास के आदेश पर कानपुर देहात के CDO सौम्य पांडे ने राजपुर ब्लॉक में तैनात सविता सिंह को निलंबित कर दिया है। देखिए, इस समय जो राजपुर कानपुर देहात में BDO थी श्रीमती सविता सिंह, इसके पहले उनकी तैनाती खंड विकास अधिकारी जनपद अंबेडकर नगर में थी। वहाँ पे एक भ्रष्टाचार के मामले पे उनकी जांच हुई थी और शासन द्वारा उनको इस पे निलंबित करने का ऑर्डर अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास ने भेजा है, उसी के तहत उनको निलंबित किया। सुल्तानपुर में एक दुकानदार की बड़ी दबंगई उजागर हुई है। बच्चों को समोसे के लिए दोना मांगने पर दुकानदार ने उसकी पिटाई कर दी और हैरानी की बात तो ये रही कि इस बात की शिकायत जब रिश्तेदार दुकानदार से करने पहुंचे तो मनबढ़ दुकानदार ने न सिर्फ रिश्तेदार की पिटाई की बल्कि कढ़ाई का खौलता तेल फेंक कर सभी को घायल कर दिया। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भिजवा दिया गया है और साथ ही कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है। संभल के जिला अस्पताल में 8 दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता में संयुक्त चिकित्सालय की अधीक्षिका डॉक्टर रंजना सिंह की तरफ से की गई। कार्यक्रम की गोष्ठी में अपने विचार रखते हुए डॉक्टर चमन प्रकाश ने कहा कि HIV/AIDS एक गंभीर संक्रमण की बीमारी है जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। एड्स फैलने के कई कारण है। सोनभद्र के अनपुरा से आ रहा ट्रक ने अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिलों और सब्जी के दुकानों को रौंद दिया। हादसे में एक सब्जी विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गया है। सब्जी की कई दुकानों और मोटरसाइकिलों को कुचलता हुआ ट्रक ड्राइवर टकरा गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस राहत बचाव में जुटी। ये पूरी घटना पिपरी थाना क्षेत्र के वाराणसी शक्ति नगर मुख्य मार्ग की है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।